अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन का शाही रोल। तो मैंने ये कीमा ली थी 1.25 किलो। इसको मैंने पीस के अच्छा एकदम देखो सॉफ्ट करी हूँ, क्या एकदम पीस के कीमा को मैंने सॉफ्ट करी हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ मसाले ली थी, जैसे इसके अंदर मैंने ली थी अदरक छोटा 1 इंच का, और 4-6 लहसुन ली थी, और अपने मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से रखना। मैंने 3 हरी मिर्ची ली थी, तो ये मैं इसके अंदर मिलाऊंगी। तो यहाँ मैंने नमक ली हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना, 1 चम्मच गरम मसाला, ये मैंने काली मिर्च पाउडर ली हूँ, ये चाट मसाला ली हूँ, ये तंदूरी चिकन मसाला, तो ये भी मैं इसी के अंदर मिला लूँगी। क्योंकि इसमें मैंने सौंफ और ये अपना जीरा पाउडर को भून के मैंने ली थी और दरदरा ऐसा करके ली हूँ, तो ये भी मैं इसके अंदर मिला लूँगी। 1 मुट्ठी भर कर इसमें ये कोथमीर डालूँगी और इसको अच्छी तरह से मिला के 10 मिनट मैं रखूँगी। रख के आपको बना के बता दूँ। अभी 10 मिनट इसको रखूँगी और उसके बाद मैं इसको आपको ये बना के चिकन शाही रोल बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। आप बराबर फॉलो करना ताकि आपका ख़राब नहीं हुए। तो मैं आपको अभी बना के ही बताऊँगी और तल के बताऊँगी, ठीक है। मिला के रखी थी मैंने कीमे को 10 मिनट। तो ऐसा इस तरह इतना बड़ा लेयर निकालना है, प्लास्टिक में तेल लगाना है 4-7 तरफ से, और इसको इस तरह से अपने को बेलना है, या फिर हाथ के सही से भी आप लोग कर सकते हैं, बेलन से भी बेल सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। और इसके उतना बड़ा बना के और चीज़ रख रहे हैं। तो देखो इस तरह मैंने इसको बेली हूँ। अब इसके अंदर अपन इस तरह एक चीज़ रखने का, देखो इस तरह से इसको रखे ऐसा। तो इसको है ना अपन ऐसा धीरे 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 उठा के इस तरह इसको मिलाने का, धीरे धीरे फोल्ड करते रहने का, ऐसा चारों तरफ से करना है फोल्ड। और देखो इस तरह से करी ना फोल्ड। उसके बाद क्या करने का, ये जो पन्नी है ना जो हमने तेल लगाए, इस प्लास्टिक को इस तरह फोल्ड ऐसा फोल्ड करते रहो। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह होता है। क्या मैंने भी पहले भी बनाई थी तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखो इस तरह से फोल्ड करते रहने का, ऐसा फोल्ड करते रहने का और प्लास्टिक को बाहर ऐसा खींचते रहने का। तो उससे क्या होता है अपना ये जो है ना अच्छी तरह कबाब बन जाएगा, शाही कबाब। तो ये देखो मैं आपको बताती हूँ, देखे माशाल्लाह से क्या। और ये खोलेंगे तो इसके अंदर चीज़ रहेगी। तो मैं अभी आपको ये है ना ब्रेड क्रम में मैं मिला के आपको बताती हूँ। देखो इस तरह से मैंने इसको बनाई हूँ। तो अब इसको आपको इस तरह हल्के से उठाएंगे, बहुत नरम रहता है। तो इसको ब्रेड क्रम में कोटिंग करेंगे अच्छे से, और बाद में इसमें और बताऊंगी इसको, और इसमें एक चीज़ में डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये लेकिन इसको करके रखना है पहले से अपने, और अच्छी तरह कोटिंग करना अच्छे से। देखो इस तरह ना ऐसा उठा के मस्त कोटिंग करेंगे ना तो ये ज़रा सॉफ्ट होता है और अच्छा होता है। हाँ इसको थोड़ा झाड़ झाड़ के ऐसा रखेंगे। मैं बताती हूँ सब आपको ये ब्रेड क्रम में डाल के। तो देखो इस तरह मैंने ब्रेड क्रम करके अब इसको थोड़ा रखूँगी, क्योंकि ना इतना नरम रहता है ना ये कबाब, तो इतना संभाल के बनाना, क्योंकि प्लास्टिक के साथ ही बनता उसके जरिए और चीज़ वगैरह, और फोल्ड है ना वो प्लास्टिक से ही जरिए से होगा। मैंने आपको बताई आपने देखे लिए तो वैसे ही करना। और रही बात है अगर नहीं समझे तो बार बार मेरी वीडियो देख के आप सही तरह से शाही चिकन और कबाब है ना शाही चिकन रोल, हाँ शाही चिकन रोल है। देखो मुझे तो बोलने के लिए भी थोड़ा अटक रहा है। तो ये मैं अब आपको बताती हूँ और अंडे के अंदर जब डालूँगी तो देखो ये जो मैं बनाई हूँ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, जो मेहमान आए या इफ्तार है उसमें ज़रूर ट्राई करना। और मुझे आप ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मुझे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगा। आपने यहाँ तक मुझे पहुँचाए है और आगे पहुँचाना आपकी बहुत ज़रूरत है। 1000 सब्सक्राइब मुझे करना है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तो मैं मिलती हूँ फ्राई करने के टाइम में। तो मैंने एक अंडा ली हूँ और मैं इसमें एक
दो चम्मच जैसा दूध डालूंगी और इसके बाद मैं एक चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा डालूंगी जिससे अपने को कोटिंग करना है ना उसके लिए, हाँ तो क्रिस्पी बनेगा। तो ये मैंने डाली और थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी। अगर आपको है ना इसके अंदर काली मिर्च वगैरह डालना है तो डालिए, मैं इसमें नमक डाल लूँ। तो देखो इस तरह मैं इसको फेंट रही हूँ, इसमें लम्स नहीं आना चाहिए क्योंकि अपन ने वो आटा डाले है ना इसीलिए। तो इसको अच्छी तरह से फेंटने दो। तो देखो ये मैं फेंटी हूँ, अब मैं इसको एक एक करके इस तरह से इसको कोटिंग अच्छे से करने का, और इस तरह कोटिंग करके इसमें ले रहना है। और तेल मीडियम लेना, क्या डीप फ्राई नहीं है इसीलिए। तो इस तरह मैंने क्या बोलते हैं इसको, चिकन शाही, हाँ चिकन शाही रोल बना दी हूँ। तो देखो मैं आपको इसको एक काट के बताती हूँ, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा। देखे कैसा निकल रहा, देखो ऐसे देखे माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा, चीज़ देखो कैसा आ रहा है, वो मेहमानों को भी देंगे और रमज़ान में आपका इतना अच्छा ये रहेगा कि पूछो सहरी अफ्तारी करने के टाइम पे कि सब बोलेंगे वाह वाह करके। तो स्टार्टर है ये, स्टार्टर के साथ चटनी के साथ आप खाइएगा और मुझे याद करिएगा। तो मिलती हूँ आपको अच्छी और नई रेसिपी के साथ, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं, लाइक करना भूलिएगा नहीं। मिलती हूँ अगली फिर अच्छी रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।